दोस्तों इस वीडियो में मैं इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री की बात करूंगा। इंग्लिश लैंग्वेज आज मैंडरिन चाइनीज के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस से मिलकर के बनी है और इसमें सबसे ज्यादा अंश लैटिन भाषा के पाए जाते हैं, यानी लैटिन भाषा के बहुत सारे शब्द हैं इसमें। हालांकि लैटिन भाषा आज तो बहुत कम बोली जाती है, यानी कि बहुत रेयरली बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज पर इस भाषा का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेजेस का भी इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत इन्फ्लुएंस है। इसके साथ साथ ग्रीक और दूसरी भाषाएं भी इसमें शामिल है। यहां तक कि हमारी संस्कृत भाषा में से भी इस लैंग्वेज में बहुत सारे शब्द उठाए गए हैं और आज भी इस लैंग्वेज में दुनिया की अलग अलग भाषाओं में से शब्द उठाए जा रहे हैं, शब्द जोड़े जा रहे हैं। ये इतनी ओपन और फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है कि हर देश में हर जगह पर किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन करने के लिए इसका यूज होता है। अब थोड़ा सा इसका इतिहास समझते हैं, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इतिहास शुरू तो एंग्लो सैक्सन्स, जो कि बर्बर कबीले में रहने वाले लोग थे, वो लोग जब 5th और 6th century AD में इंग्लैंड में आए और अपने साथ बहुत सारी भाषाएं लाए, यानी लगभग 1400 साल पहले की बात हो रही है। तो ये एंग्लो सैक्सन्स आकर यहां बसे और अपने साथ ये जिन भाषाओं को लाए और जिन भाषाओं का ये आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते थे, उन्हीं में से एक इंग्लिश भी थी। लेकिन ये इंग्लिश आज की इंग्लिश से बहुत अलग थी, यानी कि ओल्ड इंग्लिश थी। और 11th century यानी कि 11वीं शताब्दी तक ऐसे ही यही ओल्ड टाइप की इंग्लिश बोली जाती थी इंग्लैंड में। तो जब तक ये एंग्लो सैक्सन्स इंग्लैंड में रह रहे थे, तब तक ओल्ड इंग्लिश का टाइम था। और इन एंग्लो सैक्सन्स के यहां आने से पहले इंग्लैंड पर रोमन डोमिनेंस था, तो इनके आने से पहले इंग्लैंड में रोमन डोमिनेंस था और यहां पे लैटिन बोली जाती थी, यानी लातिनी भाषा। आपको पता है बाइबल भी पहले इंग्लिश में नहीं लिखी हुई थी, लैटिन में लिखी हुई थी, इसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया गया। तो जब तक ये एंग्लो सैक्सन्स यहां इंग्लैंड में रह रहे थे, तब तक इंग्लिश बोली जा रही थी, वो थी ओल्ड इंग्लिश। फिर यहां पे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद में मिडल इंग्लिश लैंग्वेज का टाइम शुरू हुआ, यानी 11th century के बाद से मिडल इंग्लिश लिटरेचर का टाइम आया और तब इंग्लिश लैंग्वेज पर फ्रेंच इन्फ्लुएंस पड़ा। ये मिडल इंग्लिश लैंग्वेज का टाइम हम मानेंगे 1066 से 1500 ईस्वी तक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद में इंग्लिश लैंग्वेज पर फ्रेंच प्रभाव पड़ रहा था, इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंच शब्द भी शामिल हो रहे थे। इस लैंग्वेज ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिकेशन पर अपना इतना डोमिनेंस किया है, यानी उस टाइम पे भी समय के अनुसार इसने अपने अंदर चेंजेस लाए और आज भी समय के अनुसार चेंजेस लाए जा रही है। चेंजेस लाने का मतलब दूसरी भाषाओं से शब्द उठाना, जैसे हमारी भाषा में से इसने जेल, जंगल, कर्म, ऐसे शब्दों के इन्हें इंग्लिश शब्द नहीं मिल पाए, तो इन्होंने जैसे कि तैसे उठा करके अपनी लैंग्वेज में इन शब्दों को रख दिया। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है तब से अब तक, यानी लगभग 1400 वर्षों के विकास के बाद आज इस लैंग्वेज ने पूरे विश्व पर अपनी ऐसी पकड़ बना ली है कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज होने के बावजूद भी लगभग 1 बिलियन से ज्यादा लोग इसको बोलते हैं।